पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। पेंशन को लेकर हुआ अचानक बड़ा फैसला, सभी पेंशन धारकों का अब होगा इंतजार खत्म। फाइनल पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी। अब आपको मिनिमम पेंशन हायर पेंशन में नए बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसका सीधा फायदा पेंशन धारकों को होगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर मिली बड़ी खुशखबरी। 65 लाख पेंशन धारकों का फाइनली इंतजार हुआ खत्म, सभी को मिलेगी पेंशन में बढ़ोतरी। साथ ही नया लिस्ट भी जारी हो गया है, तो आपकी पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर बहुत बड़ा अपडेट मिला है। तो अब पेंशनर्स की होने वाली है मौज, बल्ले बल्ले पेंशन धारकों को मिलेगी पेंशन में बढ़ोतरी। तो कितनी मिलेगी पेंशन में आपको बढ़ोतरी, इस लिस्ट के अनुसार क्या लिस्ट जारी हुई, इसके अनुसार सभी पेंशन धारकों को क्या पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी, आखिर कब मिलेगी, किन पेंशन धारकों को मिलेगी। अगर आप एक ईपीएफओ के सब्सक्राइबर है या फिर ईपीएस 95 पेंशन धारक है, तो आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट मिला है। साथ ही ईपीएफओ से भी एक बहुत बड़ा अपडेट मिला है कि आप सभी का वेतन लिमिट में हो सकता है बड़ा बदलाव। ईपीएफओ का आदेश पेंशन में होगा बदलाव, नया पेंशन और नया नियम अब होगा लागू। तो नया पेंशन के अनुसार नया पेंशन आपको कितना मिलेगा और कौन कौन से नए नियम होंगे जिससे कि आपको पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पेंशन मिलेगी। तो ऐसी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बड़ी जानकारी मिली है, तो इस अपडेट की क्या है पूरी सच्चाई जानेंगे वीडियो में विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते रहिएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से भी अपडेट मिली कि अभी 5 मिनट पहले की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बैठक में जारी हुआ पेंशन को लेकर नया ऐलान, भयंकर फैसला, चौंकाने वाला फैसला। क्या आपकी पेंशन को लेकर जारी हुआ पेंशन में होगा बदलाव? तो आप सभी ईपीएस 95 से यानी कि 75 लाख जो पेंशन धारक माने जा रहे हैं, उन सभी पेंशन धारकों की पेंशन जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट होने वाली है। अगर आप एक ईपीएफओ के सब्सक्राइबर हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो बिल्कुल ही आप ध्यान से देखते रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो पेंशन धारकों ने ईपीएस की पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर जो मांगे की थी, उसको लेकर फिलहाल यानी कि सरकार तीसरी बार यानी कि मोदी सरकार शपथ ले चुकी है। तो पेंशन धारकों ने ईपीएस 95 पेंशनर्स की प्रमुख मांगे पूरा न होने के कारण सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालते हुए क्या क्या लिखा है, तो आइए जानते हैं इन तमाम महत्वपूर्ण छोटे बिंदुओं को। तो ईपीएस 95 पेंशन को लेकर आंदोलन करने वाले पेंशन धारकों का गुस्सा यानी कि शांत नहीं हुआ है। मोदी सरकार से खासा नाराजगी जाहिर करने वाले पेंशनर्स जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने खुलकर के बड़ा सोशल मीडिया पर निकाल रहे हैं, जबकि लगातार तीसरी बार पीएम मोदी शपथ ले चुके हैं। सोशल मीडिया पर पेंशन होगी क्या बात कही चल रही है, इनकी पेंशन से जुड़े क्या बातें चल रही है, इसकी झलक आपको इस वीडियो में आगे विस्तार से देखने को मिलेगी। चलिए जानते हैं कि आखिरी पेंशन धारक है उनकी यह पेंशन को लेकर क्या इनकी झलक आपको देखने को मिलती है पेंशनर्स की मन की बात, तो चलिए जानते हैं इसको विस्तार से। भाजपा क्यों पीछे आ गई? तो पेंशन धारकों ने सबसे पहले यह लिखा है कि एक बार पेंशनर्स ने खुलकर के बात की है तो 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत जोर शोर से हुआ है, लेकिन पेंशन धारक उन्होंने इस तरह का कहा कि देश विदेश के जो सभी एग्जिट पोल वो झूठे निकले। आश्चर्यजनक ये परिणाम इनके जो सामने आए, तो बीजेपी वालों तो इनके बवाल में जाग गए थे, आत्मविश्वास और भाजपा की बातों को नहीं मानता है और तानाशाही समाप्त हो गई। हम जो भी इनकी करेंगे, हम चुने जाएंगे, तो वह भ्रम जो कि चुना गया था वो अब दूसरों की सजा पर चलना इनकी जो आपको बता देगी, अब दूसरों की सजा पर सरकार चलानी पड़ेगी। तो जमीन पर रहकर के पेंशन धारकों ने कहा कि ये सरकार पहले सोचती तो ये वक्त पेंशन धारकों ने कहा कि सरकार के साथ ना आता, यानी कि सरकार पेंशन जुड़े इस तमाम मुद्दों को लेकर पहले यह सोचती कि पेंशन धारक उनकी प्रमुख मांगों को पूरा करे तो ऐसा वक्त ना आता, ऐसा पेंशन धारकों ने सोशल मीडिया पर लिखा है पेंशन को लेकर। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने सबसे महत्वपूर्ण यानी कि जो पेंशन धारकों के यह मुद्दा रहे हैं लोकसभा चुनाव के अंदर, तो इस इनकी पेंशन धारकों की मांगों को नजरअंदाज करने के लिए ईपीएस 95 वरिष्ठ नागरिकों ने बुलडाणा में यानी कि जो प्रमुख मांगे उसका पूरा करने के लिए जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन का सबसे महत्वपूर्ण यह मुद्दा रहा है, बस इसे नजरअंदाज करने के लिए ईपीएस 95 वरिष्ठ नागरिक है, उन्होंने पूरा इस पेंशनर्स की 4 सूत्रीय मांगों करने को लेकर जो मांगी काफी लंबे समय से, इन मांगों को पूरा करने के लिए बुलडाणा में 5 वर्ष से अधिक समय से उपवास कर रहे हैं। उन्हें मिली हुई टूटी पेंशन पर पेंशन धारकों ने कहा कि जीना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 1000 रुपए की पेंशन मिलती है, उनसे वो अपना कैसे जीवन यापन करेंगे, कैसे गुजारा बसारा करेंगे। तो महंगाई की सीमा अगर देखा जाए तो महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, इनकी महंगाई बढ़ गई है और पेंशन धारक उनकी 1000 रुपए की पेंशन मिलती है, वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। तो पेंशन धारकों ने आके कहा कि ऐसे जो पेंशन धारक 1000 रुपए की पेंशन से कैसे जीवन यापन करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल इनके सामने आता है। अंत पिछले 5 वर्षों से अनिश्चितकाल हड़ताल अनशन शुरू किया गया था, तो ताकि सरकार ध्यान दे पेंशन धारकों की पेंशन की प्रमुख मांगों को लेकर, उनकी मांगों को लेकर सरकार इनकी जल्द से जल्द ध्यान दे और पेंशन को राहत प्रदान करे, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों की समस्या को सरकार ना समझे और पेंशन धारक उनकी प्रमुख मांगे जो कि अभी लंबित है। तो पीएम मोदी पर नजरअंदाज पेंशन की मांगों का आरोप लगाया इनकी पेंशन धारकों ने, कहा कि सरकार ने हमारी मांगों को नजरअंदाज किया है। पेंशनर्स ने लिखा, सोचा था कि 2019 के चुनाव होंगे, उससे पहले सरकार हमारी पेंशन में बढ़ोतरी करेगी, लेकिन उनको पेंशन धारकों को निराशा ही हाथ लगी, सरकार ने उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। फिर पेंशन धारकों को 2024 के लोकसभा चुनाव में उसने उम्मीद थी कि 100% पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ेगी, हर एक वरिष्ठ नागरिक था उनको उम्मीद थी कि 5 साल बाद ये 2024 में पेंशन धारक उनकी प्रमुख जो पेंशन की बढ़ोतरी की जो मांगे वो 100% इनकी पूरी होगी, लेकिन 5 साल बाद भी मोदी सरकार ने पेंशन धारकों की मांगों को नजरअंदाज किया, ऐसे पेंशन धारकों ने सोशल मीडिया पर लिखा है।
अगली बड़ी अपडेट होने वाली की हेमा मालिनी की कोशिश रही है जारी पेंशन धारकों ने। साथ में यह भी लिखा है कि पिछले 5 सालों में भारतीय सभी पार्टियों के सांसद मिले और सैकड़ों बयान पेंशन को लेकर दिए गए। सैकड़ों बार यानी पेंशन धारकों को आश्वासन मिला है उनकी पेंशन को लेकर, लेकिन जो पेंशन धारकों की मांगों को नजरअंदाज किया गया पूरा नहीं किया गया। सांसद हेमा मालिनी ने 3 से 4 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक रावत और उनके साथियों को व्यक्तिगत मुलाकात भी कर वरिष्ठ यानी कि बूढ़े पेंशन धारकों की समस्या और पेंशन पर चर्चा की है। और हर यानी कि बार मोदी सरकार ने पेंशन धारक उनको यही आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। यानी कि अशोक रावत को भरोसा दिलाया कि आपके काम होगा, यानी कि पेंशन धारक उनकी पेंशन में रात प्रदान की जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस तरह की आपकी पेंशन को लेकर पेंशन धारकों ने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली है। तो अगर बात करें आपकी पेंशन से जुड़ी, तो वैसे में ये मामला भी लंबित है, जिसको लेकर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की बहुत सारी अपडेटें देखने को मिल रही हैं कि पेंशन धारक उनकी मांगें पूरी होगी, लेकिन फिलहाल ये मामला लंबित है पेंशन से जुड़ा। लोकसभा में पेंशन का उठता रहा मामला काफी लंबे समय से, तो कई बार पेंशन धारकों ने कैबिनेट की बैठक हो या फिर सीबीटी की बैठक हो, श्रम मंत्रालय को नोटिस भेजना, इस तरह का पेंशन धारकों ने कई प्रक्रिया की, लेकिन उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया, पेंशनर्स को राहत नहीं मिली है। तो वैसे में भारत के कई राज्यों के सदस्यों ने लोकसभा और राज्यसभा में संसद सत्र के दौरान पेंशन धारकों की पेंशन से जुड़े ये कई मामला यानि कि बार बार उठाया गया था, लेकिन उन मांगों को लेकर कोई भी फिलहाल प्रस्ताव को पास करके यानि कि सहमति नहीं दी गई। महाराष्ट्र के कुछ सांसदों ने सत्र में यह भी सवाल उठाया और अन्य राज्यों के कई सांसदों ने भी पेंशन की बढ़ोतरी का यही सवाल उठाया था, फिर भी सरकार ने उन पर नहीं ध्यान दिया, उसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। तो ईपीएस 95 वरिष्ठ नागरिक है जो कि ईपीएस 95 बुजुर्ग पेंशन धारक है, उन्होंने कहा कि 1000 रुपए की पेंशन से पेंशन धारक अपना कैसे जीवन यापन करेंगे, गुजारा बसारा करेंगे। पेंशनर्स ने कहा कि ईपीएस 95 वरिष्ठ नागरिक बिना पैसे के जीवन कैसे जिए, हर कोई 1000 रुपए की पेंशन में पेट नहीं है। जैसे कि कई पेंशन धारकों को यानी कि कई बीमारियों से प्रभावित होते हैं, बीमारियों से वरिष्ठ नागरिक प्रभावित होते हैं, तो अगर इससे टूटी हुई पेंशन से यानी कि उन्हें खाने की व्यवस्था नहीं है और अस्पताल में उनको यानी कि मेडिकल के लिए दवा के लिए उनके पास पैसे नहीं है, 1000 रुपए की पेंशन को देखा जाए तो वर्तमान महंगाई के दौर में बहुत ही कम है, पेंशन धारकों ने इस तरह का कहा है। तो वैसे में सांसदों का फंड बढ़ा दिया जाता है, पेंशन धारकों ने ऐसे कहा है कि सांसद होते हैं उनका जो फंड है वो भी बढ़ा दिया जाता है, उनको पेंशन है वो भी अच्छा मिलता है और सुविधाएं होती है वो भी जीवन भर उनको सरकार देती है, तो बिना मतलब वेतन और आराम देते रहे सरकार पेंशन धारकों को इस तरह की इनकी सुविधाएं नहीं मिलती है। तो आज के महंगाई काल में न्यूनतम जो 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन मिलती है और 15000 रुपए तक पेंशन धारकों को पेंशन मिलना चाहिए, इस तरह की मांग की है कि तो इसमें 2 समय का भोजन और मेडिकल का भी खर्च होगा, जो कि 1000 रुपए की पेंशन धारक उनको जो पेंशन मिलती है वो उनकी पूरा ही नहीं होता है। महीने का जो पेंशन 1000 रुपए मिलता है तो पेंशन धारकों को मेडिकल की यानी कि बुढ़ापे के अंदर जरूरत होती है, साथ ही पेंशन धारक उनको भोजन है, वस्त्र है, आवास है, मेडिकल है। तो वैसे में इन पूरे इनकी खर्चों को सरकार से मांग की जा रही है कि उनकी पेंशन की राशि को 1000 रुपए से बढ़ाया जाए। तो पूरे भारत के अंदर ईपीएस 95 वरिष्ठ नागरिकों की संख्या लगभग 70 लाख है, तो आप इस तथ्य को नहीं भूलेंगे कि इन नाराज पेंशन धारकों ने जो वापस लाया है सरकार को। तो वैसे में इस तरह की अपडेट आपकी पेंशन जुड़ी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताई जा रही है। तो फिलहाल बात करें ईपीएस की पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर, तो अधिकारी कोई भी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर अपडेट नहीं मिला है कि आपकी पेंशन कितनी बढ़ाई जाएगी, कब बढ़ाई जाएगी। अब उम्मीद की जा रही है कि बजट के अंदर पेंशन धारक उनकी मांगों को लेकर पेंशन धारकों को राहत मिल सकती है। तो इस तरह की आज दिनभर की पेंशन जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट होने वाली। तो इस तरह की नई रोजाना ताजा अपडेट पाना चाहते हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा।